एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, एक अच्छा नॉक उनकी तरफ से आता है, दूसरे प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं, एक और नॉक वो कर सकते हैं, बेहतरीन नॉक उनकी तरफ से आता है, गन को स्विच यहां पर किया और उनको फिनिश करने की कोशिश उनकी तरफ से, उनकी एचपी बहुत कम हो चुकी है इस मौके पर, थानोस के पास अच्छी खासी एचपी है तो वो जरूर आराम से उनके अगेंस्ट फाइट निकाल सकते हैं, बट थानोस अकेले यहां पर बचे हुए, एक वो कोशिश थी बट कैप्टन व्हाट मात्र 10 एचपी पे थे और यहां पे पूरी क्रेट के ऊपर गोलियां चला रहे, फुल ऑन बीएफ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और वो 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 कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो चुका है ये फाइट, और हो चुके यही तो मसाले चाहिए हमको ओशन, यही मसाले यू नो चाहिए हमको, यू नो यही वो तड़का है जो टूर्नामेंट्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर लेती है। जी हाँ, और इनफैक्ट इतनी डिस्टेंस भी अगर नॉक हो भी जाता है तो उनको रिवाइव भी मिल जाता है, और देखते ही देखते हमने क्या देखा, टीम साइज के प्लेयर्स आते हैं, टीम अल्फा के जो रिमेंडर दो प्लेयर्स हैं उनको फिनिश कर जाते हैं, और आई थिंक वो कॉम्पाउंड पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, उनको रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे टीम स्नाइपर्स के प्लेयर्स को, बट इन द मीन वाइल टीम फेट के रीफ यहाँ पे ऑलरेडी प्रोन डाउन हो चुके हैं, आई थिंक यहाँ पे अपना फर्स्ट एड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे और एक प्लेयर यहाँ पे हीलिंग बैटल के तरफ जाना चाहेंगे। इन द मीनवाइल ओवेस यहाँ पे डाउन हो चुके हैं फोबिया के द्वारा। Well, अगला सर्कल, वो एक घर एक कंपाउंड जो है वो अगले सर्कल को कंस्टिट्यूट करता है, देखते हैं क्या होता है इस वाले सर्कल के अंदर। मीनवाइल आप देख सकते हैं साइड्स के प्लेयर्स यहाँ पर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एमजे एक साइड से यू नो आगे की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी स्पॉट हो चुके हैं, ऑलराइट विल बी टेकन डाउन। हिकर के प्लेयर्स अभी भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, हिकर के कलाका अब आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, बहुत सारी टीम्स हैं जो सर्कल के बाहर है, बट सर्कल में अगर आप बात करें साइट्स के अबूद नजर आएंगे सर्कल में, इनफैक्ट घर में अपने आप को सेफ पाते हो अभी के लिए, बट अकेला प्लेयर और वो एक घर एक न्योता देता है बाकी टीम्स को कहने के आने का। मीनवाइल गैलेक्सी रेसर यहां पर एलिमिनेट हो चुके हैं, जिक्सो का ग्रेनेड आया था एमजी को टेक डाउन करने के लिए, अब 8 टीमें और 19 प्लेयर्स यहां पर बचे। जी कहीं ना कहीं यहाँ पे जीवन दान जरूर मिला था गैलेक्सी रेसर्स को जब फोबिया का यहाँ पे नजर हट गया, क्योंकि इकत के साथ इनको फाइट लेना पड़ा, बट देन अगेन रियल टाइगर्स के प्लेयर्स जिन्होंने इस चीज का फायदा जरूर उठाया, एक प्यारा सा ग्रेनेड फेंके यहाँ पे एमजे डाउन हो गए, जिसके चलते यहाँ पे गैलेक्सी रेसर इस गेम से हो चुकी है बाहर। फिलहाल रियल टाइगर्स के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी एचएस की तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम फाल्कन के यहाँ पे दो धुरंधर हमारे सामने लास्ट और डब्ल्यूकेटी, सो देखते हैं यहाँ पे रैम के इन्होंने स्पॉट तो कर लिया, शॉट्स बस लेना बाकी है। यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट को बैल इन्होंने नॉक कर दिया था, बट केडब्ल्यूटी के द्वारा देखिए यहाँ पे इतना अच्छा कवर पाया, बट देन अगेन जाते ही टीम साइड्स के साथ इनको यू नो अपना सामना इनका हो जाता है। अब रियल टाइगर्स के प्लेयर्स देखते हैं यहाँ पे क्या कमाल दिखाएंगे, अबूद यहाँ पे किल्स निकालते जा रहे हैं, इस कॉम्पाउंड का बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फायदा उठाया, बट रैम के देखिए ऑलरेडी अबूद के पोजिशन को नाप चुके, अब किसी भी मोमेंट उनके ऊपर चार्जिंग कर सकते हैं, बट अबूद इज अ वन ऑफ क्रेसिंग, वाओ व्हाट जस्ट हैपेंड, नेट से डाउन हुए वो बट अबूद जीवित है 100% अलाइव। अबूद वो जो दरवाजा इन्होंने खोला, जो ग्रेनेड फटा उस टाइम पर, अगर वो दरवाजा ना होता तो इनको भी डैमेज पड़ता, वो दरवाजे को डैमेज पड़ा, दरवाजे यू नो जो दरवाजा वो ब्लास्ट हो गया और उसके पीछे ऑब्वियसली वो प्लेयर थे तो वो भी पिक हो गए। अबूद स्टिल सर्वाइविंग, द मैन रिफ्यूजेस टू डाई, ही लेजेंड रिफ्यूजेस टू डाई राइट नाउ। लेकिन आप देखिए इसर यहां पर कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं, दोनों साइड से यहां पर इकट्ठे प्लेयर्स के ग्रेनेड जा रहे हैं, फेट के ऊपर फेट के प्लेयर्स कोशिश तो करेंगे बट एस्ट्रॉड वो रीफ को स्पॉट शायद कर चुके हैं, आप देख सकते हैं रैगनार ने वहां पर रीफ का निकाला है और रिको इंफिनिटी इस फाइट के अंदर रहना ही चाहेगी पूरा। इनफैक्ट ओशन में कहूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे, जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं, ऑलरेडी 10 किल्स अपने लिए कलेक्ट कर लिया और उनके चारों के चारों प्लेयर्स को जीवित भी रखा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड, यहाँ पे हर तरफ इन्होंने आतंक फैला रखा है, बट फिलहाल देखते हैं क्या इस गेम में वो चिकन डिनर लेने में सक्षम रह पाएंगे, हमें फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बनती है कि जैसे जैसे ये फाइट्स बढ़ती रहेंगे, आप देखिए इकर्ट के प्लेयर्स अपने आप को यहाँ पर रखे हुए हैं, दो प्लेयर्स जीवित है, बाकी दो प्लेयर्स डाउन है, लेकिन साइड्स के आखिरी प्लेयर थे अबूद, वो सेकंड पोजीशन पर आते हैं, इकर्ट का स्क्वाड चिकन डिनर जरूर लेकर के जाता है, बट साइड्स के प्लेयर जब भी जीवित रहे वो अपने आप को टॉप टू में तो लेकर के आते ही आते हैं।
जी हाँ बिल्कुल। एंड आई मीन अबूद ने यहाँ पे जो गेम प्ले दिखाया ना, आई मीन अनजाने में ही सही, उन्होंने एक 400 आईक्यू का प्ले वहां पे कर दिया। जो ग्रेनेड फटा था उनके मुंह के सामने और उन्होंने एम मोमेंट पे डोर खोल दी, ये इन्होंने कभी इंटेंट नहीं किया होगा। बट देन अगेन वाओ, टीम साइड्स रियली स्टेपिंग अप टू द ओकेजन। देखिए जी के मार्शल हो चुके हैं डाउन। अभी आल्फा लेजेंड जरूर अपने प्लेयर्स को पिक करें, लेकिन वहां पर आप देखिए गैलेक्सी रेसर्स भी फाइट्स में आ रहे हैं। उन्होंने एक प्लेयर को जरूर ओवेस ने डाउन किया, उस फाइट को भी हम देखने चाहिए। ऑलराइट, दिस इज वेयर द फाइट इज, गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस फाल्कन्स। सर्कल के भी एरियाज को होल्ड करना, उससे पहले यहां पर बाहर फाइट लेनी पड़ेगी। गैलेक्सी रेसर्स के अल्ट्रॉन कोशिश करेंगे पिक निकालने की स्पॉट किया एक प्लेयर को। ऑलराइट, दैट वाज अ गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। ओवेस साथ के साथ, एमजे भी साथ के साथ, गैलेक्सी रेसर्स 4 किल्स अपने हिस्से में रखते हुए जोन आ रहा है। जितनी लूट कर सकते हैं अभी करनी पड़ेगी और सीधा मूव करना पड़ेगा मेन बात। खैर वो चीज देखेंगे, बट जो सर्कल है हल्का सा गन्स की साइड है और बहुत ज्यादा स्नाइपर्स की साइड है। लाइक उस तरीके से यहां पर टीम्स को खेलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बट ग्रेनेड्स की जरा देशा एक बार राइट साइड को मुड़कर उन्होंने देखा जरूर कि ये ग्रेनेड आया कहां से, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनके करीब है। बट आप देखिए अल्ट्रा लेवर पिक्स निकाल रहे हैं, एक प्लेयर को नॉक किया, वो भी स्पॉट हो चुके हैं, तो उनको वापस कवर में जाना पड़ा। अब वो इस एंगल पर देख पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल बन जाता है। बट शायद अल्ट्रॉन को स्पॉट किया जा चुका है यहां पर राउफ की तरफ से, जो उनकी तरफ को ग्रेनेड कर रहे हैं। मुश्किल हो सकता है यहां से बचना। अल्ट्रॉन वो गाड़ी के सहारे वहां पर बच गए, बट वो अभी भी फाइट यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। उनकी बारी आती है ग्रेनेड्स करने की। लेट्स सी इफ दिस डज एनीथिंग। बट वो जो ग्रेनेड है हल्का सा साइड पर रह जाएगा, बट स्नाइपर के प्लेयर्स अभी रात के साथ एक फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। देखते हैं ये फाइट कितनी जल्दी और किस तरीके से निकलती है। बट आर्म सोकर भी अल्ट्रॉन को स्पॉट कर चुके हैं। एवरी टीम इन दिस लॉबी हैज स्पॉटेड डाउन अल्ट्रॉन, बट दिस मैन सो फार रिफ्यूजेस टू डाइवर्ट। नाउ ही इज बर्निंग डाउन, ही इज बर्निंग डाउन, ही इज बर्निंग डाउन। ओ ही विल बी टेकन डाउन, बट वो जाते-जाते अपना किल कंफर्म कर गए मुनीर का। एक और किल अल्ट्रॉन के हिस्से में। जी हाँ, ये प्लेयर आज रुकना नहीं चाहता। जिस तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे, टीम स्नाइपर्स के प्लेयर आगे, रात के प्लेयर्स आगे थे, बट इवेंचुअली अल्ट्रॉन हेल्ड हिमसेल्फ एंड ही वेंट डाउन एज अ वॉरियर। अभी अगर बात, बट इवेंचुअली यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे जहन पे आ रहा है, दैट्स अल्ट्रॉन। ये टीम आई थिंक इनके जो बाकी प्लेयर्स है सभी एलिमिनेट हो गए थे, आई थिंक जब 10 या 11 टीम्स अलाइव थी, और तब से लेकर आई मीन टिल द वेरी एंड, इनफैक्ट अपने आप को उन्होंने फोर्थ पोजीशन पे लाया। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, काफी सारे किल्स भी निकाले, जो कि एक जहां पे गैलेक्सी रेसर्स की किल्स की खाते खुले भी नहीं थे, वहां पे अल्ट्रॉन ने इतने बेहतरीन किल्स निकाले, इतने अच्छे पोजीशन निकाले कि इनको इस मैच में 10+ ओवरऑल पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो आई गेस जो मैच एक डिजास्टर्स मैच बन सकता था गैलेक्सी रेसर्स के लिए, वो यहाँ पे अल्ट्रॉन ने पास ही पलट दिए। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, अमेजिंग अमेजिंग। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए।